अपनी मांगों को लेकर रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा आज आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, जीतन राम मांझी, सभी नेता यहां पर इस मंच पर मौजूद हैं और शिक्षा में सुधार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा सुधार वरना जीना बेकार अभियान के तहत वह आमरण अनशन पर बैठे हैं। सीधे हम उससे बात करते हैं। सर, ये बताइए कौन से मुद्दे हैं, किस मुद्दे के साथ आप अनशन पर बैठे हैं? देखिए, मुद्दा मैंने पहले ही बताया है, भारत सरकार में जब हम मंत्री थे तो एक तो बिहार से केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव नहीं जा रहे थे, दूसरे राज्यों से प्रस्ताव आते थे, बिहार से प्रस्ताव ही नहीं जाता था। बहुत कोशिश करके हमने दो जगह से प्रस्ताव तब भिजवाया, एक औरंगाबाद के देवकुंड में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए और दूसरा नवादा में, दो जगह का प्रस्ताव गया, दोनों को स्वीकृति मिल गई भारत सरकार में 2018 के अगस्त महीने में। जिस समय दो केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति मिली बिहार के, उस वक्त देश के और दूसरे राज्यों के 11 केंद्रीय विद्यालय, मतलब कुल 13 केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति हुई थी। जो 11 दूसरे राज्यों के विद्यालय हैं वहाँ पिछले सत्र से पढ़ाई शुरू हो गई, स्कूल खुल गया, लेकिन बिहार का जो दो केंद्रीय विद्यालय है वो आज तक नहीं खुल पाया। राज्य सरकार को थोड़ी औपचारिकता उसमें पूरी करनी होती है। भारत की सरकार ने अपना काम कर दिया, स्कूल सेंक्शन हो गया, पैसा अलॉट हो गया। अभी सितंबर महीना, इसी वर्ष सितंबर महीना में भारत सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री निशंक जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि आप औपचारिकता पूरी कर दीजिए ताकि देश के दूसरे राज्यों में खुल गए, आपके यहाँ भी खुल जाए, लेकिन यहाँ हो ही नहीं रहा है। तो थोड़ी सी औपचारिकता, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन दो में से तो एक विद्यालय तो ऐसा है जहाँ बिहार की सरकार को एक इंच जमीन भी नहीं देनी, एक प्राइवेट वाली मंत्री जी जमीन दे रहे हैं, तो एक इंच जमीन नहीं देनी है, एक नया पैसा इनको नहीं देना है, सिर्फ कागजी औपचारिकता है जो नहीं कर रहे नीतीश कुमार जी और इनकी सरकार, इसके चलते स्कूल नहीं खुल रहा है। तो हम तो पहले बहुत प्रयास किए मुख्यमंत्री जी से मिलकर, शिक्षा मंत्री से मिलकर, जब नहीं कोई रास्ता बचा तो आमरण अनशन पर हम इसी बात को लेकर बैठे हैं कि जल्दी राज्य की सरकार कागजी औपचारिकता पूरी करे ताकि केंद्रीय विद्यालय खुल जाए। पिछले सत्र में तो नहीं पढ़ाई शुरू हो सकी, कम से कम अब जो सत्र मार्च अप्रैल में आने वाला है उस समय शुरू हो जाए पढ़ाई। आपको लगता है अनशन से फर्क पड़ेगा, बिहार सरकार की नींद खुलेगी? देखिए, फर्क तो बिहार की जनता को पड़ रहा है, स्कूल खुलता तो गरीब घर के बच्चे पढ़ते, जो नहीं पढ़ पा रहे। अब नीतीश कुमार जी क्यों नहीं कर रहे, मामला उनका है, लेकिन उनके रवैया के चलते फर्क तो बिहार की जनता को पड़ रहा है। तो इस बात को उनको ध्यान में रखना चाहिए कि बिहार की जनता तो ऐसे ही शिक्षा के बिना त्राहिमाम है, और जो कुछ हो भी रहा है उसको भी नहीं होने दे रहे, उनको सोचना है।